मम्मी जी, अपनी सेवा के लिए पड़ोस की बहू को बुला लीजिए। सुबह का वक्त था, कुछ लोग ऑफिस निकलने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ लोग शहर से लौट रहे थे। तभी रोज की तरह ही शर्मा जी के घर उनकी पत्नी रमा की चिल्लाने की आवाज आने लगी। पर फिर भी लोग आवाज को अनसुना कर अपने काम में मशगूल हो गए, क्योंकि ये तो रोज का ही था। शर्मा जी की पत्नी जब से सास बनी है, बस तब से ही ये सब आम हो गया है। या तो अपनी सास बनने को वह पचा नहीं पाई है, या फिर अपने सत्ता बहू के हाथ में देख नहीं पा रही है, इसलिए सुबह सुबह ही मीना में निकलने के अपने हुनर को वो आजमाना शुरू कर देती है। पर वो भी धीरे धीरे से नहीं, आस पड़ोस को सुनाकर कई बार तो घर के दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्लाती है। सारी दुनिया की बहुएं उन्हें अच्छी लगती हैं, फिर अपनी वाली को छोड़कर शुरू शुरू में तो कई बार शर्मा जी और उनका बेटा सुदेश उन्हें समझाते चुप कराते हुए दिख जाते थे। पर शायद अब तो भी इन सबको आदत हो चुकी थी। और वही लोग क्या, शायद घर के बहू मेघा भी पहले तो आंसू बहा लेती थी, पर जब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ना हो तभी तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो चुपचाप रसोई में अपना काम कर रही थी, गरम गरम पराठे सेक कर पति और ससुर जी को खिला रही थी, जबकि सास रमा खड़े खड़े चिल्लाए जा रही थी, देखो तो बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, यह सास खड़ी खड़ी अपनी जान जला जा रही है और इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सुनकर शर्मा जी बोले, इंसान एक समय में ही काम कर सकता है और तुम्हारी बहू भी तो इंसान है। फिलहाल वो हमें नाश्ता परोस रही है। हाँ तो कब मना कर रही हूँ, बस इतना ही तो कह रही हूँ कि कमरे में देखो, वहाँ कोने में जाला दिख रहा है, उसे साफ कर दो। कितनी ही देर लगती है, झाड़ू लेकर साथ ही साथ सफाई कर देती, लेकिन नहीं, मुझे तो अनसुना करने की आदत पड़ गई है। अरे एक जला ही तो साफ करना था। रमा जी भी तिलमाते हुए बोली, अरे ओ भगवान, दो लोग एक साथ नाश्ता पर बैठे हैं और बहू एक एक करके गरम पराठे परोस रही है तो उसमें वक्त लगता है, और वैसे भी तबीयत खराब होने के बावजूद वो खाना बना रही है। वही बड़ी बात है, अगर तुझे इतना ही जल्दी है तो तुम क्यों नहीं साफ कर लेती हो? एक जाला ही तो साफ करना है ना। हाँ, चढ़ा लो बहू को सिर पर, जैसे मैं तो कभी बीमार नहीं होती थी और मेरे बीमार पर बड़े है यहाँ नौकर चाकर लगे थे मेरी सेवा में। बुखार ही है तो उसके किसके लिए लाए हो? वो पड़ोसी वाली शर्मा जी की बहू कितनी अच्छी है, घर को बिल्कुल कांच की तरह चमका के रखती है। एक हमारी को देखो, कब से आवाज दे रही हूँ तो भी नहीं सुन रही है। तमतमाते हुए रमा जी भी उन्हें दोनों के पास आकर बैठ गई। मेघा अंदर से पराठा सेक कर लाई तो रमा जी भी को भी उन्हें दोनों को पराठे बैठे देख कर पूछा, मम्मी जी आपका नाश्ता लगा दूँ? रमा जी ने उसे घूर कर देखा और कहा, अब जब बैठ ही गई हूँ तो नाश्ता ही करने बैठी होंगी, फटाफट से नाश्ता लगाकर ले आओ और पराठे मेरे लिए भी करारे की सेकना। मेघा चुपचाप रसोई में चली गई और उनकी थाली में पराठे लेकर आई। पहले निवाले में मुंह लेते ही रमा जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हाय राम, ये क्या बनाया है? सब्जी में कितनी मिर्ची भर दी है और इन पराठे में कोई नमक नहीं है, यहाँ तक कि करारा करने के नाम पर जला कर ला दिया। कम से कम इंसान के खाने के लायक तो बनाती सही, ये तो बना है खाना, क्या फालतू की कमियां निकाल रही हो? हम भी तो खा रहे हैं, हमें तो कोई कमी नहीं लग रही है, शर्मा जी बीच में बोलते हुए रमा जी फिर तुनका कर बोली, तुम्हें तो रहने दो, तुमको क्या पता कि स्वाद क्या होता है? शादी को 1 साल होने को आए लेकिन कुछ भी ढंग का नहीं बना आता। इससे तो बगल वाले अग्रवाल जी की बहू क्या शानदार पराठे
लोग अंगुलियां चाटते रहते हैं। हाँ सही बात है, मुझे स्वाद का कहाँ पता होगा। तुम कौन सा ढंग का खाना बनाती थी? शर्मा जी धीरे से फुसफुसाते तो रमा जी बोली, क्या बोल रहे हो जी, जरा जोर से बोलो। अरे भगवान, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम तो नाश्ता करो। रमा जी मुंह बिगाड़ते हुए नाश्ता करने लगती है। कमियां निकालते निकालते भी चार पराठे खा गई। नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। शर्मा जी सोफे पर बैठकर टीवी पर समाचार सुनने लगते हैं। इधर मेघा ने अपने लिए पराठे बनाए और थाली परोसकर वहीं बाहर आकर नाश्ता करने लगती है। इतने में रमा जी कमरे से निकलती कर बाहर जाने लगती तो शर्मा जी ने पूछा, अरे भगवान कहाँ जा रही हो? शर्मा जी की आवाज सुनकर रमा जी पलट कर बोली, कितनी बार समझाऊं तुम्हें, पीछे से आवाज मत दीजिए करो, बनते काम बिगड़ जाते हैं। अरे बिना बताए, ओह तो पूछना तो पड़ेगा ना, शर्मा जी ने जवाब दिया। तो रमा जी बोली, अरे पड़ोसी वाले शर्मा जी है ना, उनकी बहू की तबीयत खराब है, थोड़ा बहुत घर के काम निपटा दो, बाद में मैं चली जाना। सुबह सुबह ऐसा उनके घर जाना अच्छा नहीं लगता क्या? शर्मा जी ने कहा, हे भगवान, बुखार ही तो है, उसमें इतना नाच रही हो, मैं तो ऐसे बुखार में घर का पूरा काम निपटा देती थी, और पड़ोस होने के नाते उनका हाल चाल पूछना हमारा फर्ज है या नहीं, कहते हुए रमा जी घर के बाहर चली गई। शर्मा जी ने मेघा की तरफ देखा तो मेघा कुछ नहीं बोली। तब शर्मा जी बोले, बहू तुम नाश्ता करके अभी दवा खा लो, आराम करो, बाकी के काम होते रहेंगे, मैं सब देख लूंगी। शर्मा जी खुद कपड़ा लेकर घर की सेटिंग करने लगे। मेघा ने रोका भी, लेकिन उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा। ये बात मेघा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अक्सर वही होता, जब से मेघा इस घर में आई, रमा जी उस पर सारा काम डालकर खुद बेफिक्र हो गई है, और फिर भी उसी में 10 कमियां निकालती हैं। उन्हें सारी दुनिया हर बहुओं स्वर्ग गुण संपन्न लगती है, जबकि खुद की बहू में कमियां ही कमियां नजर आती है। यहाँ तक कि पड़ोस में किसी भी बहू बीमार होती थी तो रमा जी उसका हालचाल पूछने जरूर जाती थी, जबकि घर की बहू की कोई कीमत नहीं थी। खैर कुछ दिन बाद ऐसा ही पड़ोस धर्म निभाते निभाते रमा जी जब घर लौट रही थी तो बारिश में भीग कर उनकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि रात को सबको सोने के बाद बुखार चढ़ गया था, कुछ कारण शर्मा जी उन्हें दवा देकर सुला दिया, लेकिन सुबह के 10 बज गए। शर्मा जी ने भी कमरे में आकर उन्हें चाय नाश्ता परोसा और दवाई दी। सुदेश एक बार आकर मिल गया, लेकिन मेघा एक बार भी कमरे में नहीं आई। यह देखकर रमा जी को बहुत बुरा लगता। आखिरकार वो खुद ही उठकर जैसे तैसे बाहर आई, देखा तो मेघा अपना नाश्ता कर रही थी। उसे देखते ही रमा जी बोली, क्या फायदा तुझे इस घर में लाने का, यहाँ सास बीमार पड़ी है, एक बार भी पूछने के लिए कमरे में नहीं आई। ये तो अभी मेरे पति बैठे थे जिन्होंने चाय नाश्ता पूछ लिया, नहीं तो बाद में मेरा तो क्या पता क्या हाल होगा। शर्मा जी आने के बाद तो बहू किस काम की, और मेघा नाश्ता करते रहती, इसलिए खड़ी नहीं हुई बल्कि बैठे बैठे बोली, अच्छा मम्मी जी, मेघा आप मुझे उम्मीद कर रही थी कि मैं आपके कमरे में आकर पूछूंगी, मुझे तो लगा था कि आपकी तबीयत खराब है तो सारे आस पड़ोस की बहुएं आपसे मिलने आएंगी, आपकी सेवा करेंगी, आपका हाल चाल पूछेंगी, ठीक वैसे जैसे आप उनका हाल चाल पूछने जाती हो, चाहे आपकी खुद की बहू बीमार क्यों ना हो, पर पहले तो वो लोग आपके लिए मायने रखते हैं। मेघा की बात सुनकर रमा जी चुप हो गई। तभी शर्मा जी बोले, वैसे बहू गलत भी नहीं कह रही है, पड़ोसियों की बहुएं पड़ोसियों को निहाल करेगी और हमारी बहू को हमारे निहाल करेगी, दूसरे की बहुओं के चक्कर में
खुद की बहू का नजर अंदाज कर गलत बात है। ये तो शुक्र मानो कि तुम बीमार हो, चाय नाश्ता तो बहू ने बना कर दे दिया, लेकिन जब वो बीमार थी तो तुम उनकी मदद नहीं की थी। उस हिसाब से बहू को तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करनी चाहिए थी। शर्मा जी की बात सुनकर रमा जी को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जरूरत के समय पर खुद की बहू ही साथ देगी, पड़ोसियों की नहीं। हालांकि उसके बाद रमा जी ने अपने में बहुत बदलाव कर लिया। आपको क्या लगता है, उन्होंने बहू में मीन खोज निकाल कर छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, यह तो एक सास का फर्ज है, उसे कैसे पीछे हट सकती है। हाँ, बस पड़ोसियों की बहुओं का गुणगान करना कम कर दिया, आखिर अपना बुढ़ापा सवाल कर रखना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।